इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले विश्व हिंदू परिषद के धर्म प्रसार प्रांत प्रशासनिक प्रमुख को एक बार फिर पाकिस्तान से धमकी भरा फोन आया है। इस मामले की शिकायत करने के लिए जब वो पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, तो पुलिस कमिश्नर ने उनसे मुलाकात नहीं की। इसके बाद उन्होंने एडिशनल पुलिस कमिश्नर को शिकायती आवेदन दिया, जिसके चलते अब पूरे मामले को लेकर वो जल्द ही मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की बात कह रही है। दरअसल पूरा मामला इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र का है। तुकोगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले विश्व हिंदू परिषद धर्म प्रसार प्रांत प्रशासनिक प्रमुख संतोष शर्मा को एक बार फिर धमकी भरा फोन आया है। फोन करने वाले व्यक्ति ने खुद को पाकिस्तान का बताया, साथ ही कहा कि आपके द्वारा लगातार लोगों की घर वापसी के साथ ही अलग अलग तरह के हिंदू समाज की गतिविधियों में सक्रिय हैं और अब आपको देख लेंगे। साथ ही धमकी देने वाले ने धर्म प्रसार के प्रांत प्रशासनिक प्रमुख की दीपावली बिगाड़ने की भी बात कही। क्या हुआ? नहीं, मैं आया था आवेदन में। क्या था आवेदन? आवेदन था, मुझे पाकिस्तान से कल कॉल आया है जान से मारने की धमकी का। किस बात? मैं पुलिस कमिश्नर इंदौर के पास आया था मिलने, आवेदन देने, लेकिन पुलिस कमिश्नर व्यस्त थे काम में। हाँ। इसलिए वो मिले नहीं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय में चर्चा करूँ। किस तरह से धमकी दी गई, क्या बताया गया? फोन लगा, फोन कॉल आया था स्पष्ट। हाँ। और विधर्मी जो है वो सनातन के काम को रोकने का काम कर ही रहे हैं। क्या दीपावली को भी लेकर बोला है कुछ? देखिए, दीपावली पर मुस्लिम समुदाय जो है उनको स्पष्ट चेतावनी है कि वो हमारे धर्म के नाम से दुकानें ना खोले और दुकानदारी ना करें। तो आज मुलाकात हुई कि नहीं अधिकारियों से आपकी? नहीं, अभी नहीं हो पाई। मैंने आवेदन दे दिया है यहाँ पे। हाँ। अधिकारियों के पास समय नहीं है, मध्य प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के पास समय नहीं। क्या सुरक्षा के साथ खिलवाड़? बिल्कुल है, निश्चित मध्य प्रदेश के अंदर सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। मोहन जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी हैं, किंतु यदि संगठनात्मक लोगों के साथ अगर इस प्रकार का रवैया पुलिस का अपनाया जाएगा तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। जेल के दरवाजे मोहन जी खोल दे, हम जेल में चले जाएंगे। लेकिन हिंदुत्व को न बदनाम होने देंगे, न हिंदुत्व पर प्रहार होने देंगे। आपका नाम बता दें। संतोष शर्मा, प्रशासनिक संपर्क विश्व हिंदू परिषद। विश्व हिंदू परिषद के एक ऑफिस बेयरर संतोष शर्मा जी हैं, वो ऑफिस में एक आवेदन दे के गए हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान के एक नंबर से उनको एक थ्रेटनिंग कॉल आई हुई है। हम इन सारे जो विषय है DCP इंटेलिजेंस और उनकी टीम द्वारा जांच कराएंगे। जो भी थ्रेट परसेप्शन रहेगा और इस कॉल की जो वैधानिकता है, प्रामाणिकता है, उसको हम चेक करेंगे। उसके बाद जो जांच में तथ्य सामने आएगा उसके अनुरूप कार्रवाई करेंगे। इन्हें ऑलरेडी हमने सुरक्षा दे रखी है, ये हमारे प्रोटेक्टी हैं। और बीच बीच में कई ऐसी शिकायतें भी आई हैं, उसका भी हम लोगों ने परीक्षण कराया है। ये जो शिकायत आई है पाकिस्तान के फ़ोन नंबर से थ्रेटनिंग कॉल का, उसका भी हम परीक्षण कराएंगे। दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे। जो भी व्यक्ति ऐसा कर रहा है उसको बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल जैसे ही प्रांत प्रशासनिक प्रमुख को धमकी भरा फोन आया, उन्होंने पूरे मामले की शिकायत पुलिस कमिश्नर को की। लेकिन पुलिस कमिश्नर के कार्यालय पर जब वो गए तो काफी देर तक कार्यालय में ही इंतजार करते रहे, लेकिन पुलिस कमिश्नर ने उनसे मुलाकात नहीं की। इसके बाद उन्होंने पूरे मामले की शिकायत एडिशनल पुलिस कमिश्नर को की है और एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने मात्र इस मामले में संतोष शर्मा का आवेदन लिया है। पुलिस कमिश्नर से मुलाकात न करने पर प्रांत प्रशासनिक प्रमुख संतोष शर्मा काफी बिखर गए और उन्होंने मुख्यमंत्री से बात करने की बात कही।